हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों जो आज का कलेक्शन है ना, आज हमारा टॉयज गैजेट्स और स्टेशनरी का, गाइस ऐसा कलेक्शन आपने शायद ही कभी देखा होगा, क्योंकि इसमें 90% ऐसी चीजें हैं ना जो आपने ना सोची होंगी ना कभी देखी होंगी, तो बहुत मजा आने वाला है। तो पूरा वीडियो देखना गाइस एंड तक। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही बड़ी चीज दिखाने वाला हूँ, जो है कि एक बहुत बड़ा पॉपिट। और इस पॉपिट का क्या यूज है, इस पॉपिट से कैसे खेलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गाइस इसमें गाइस ये लूडो की तरह खेला जाता है। इसमें आपको जो लूडो का डाइस होता है ना, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे नंबर्स होते हैं, तो वो आपको फेंकना होता है। 3 players इसमें खेलते हैं। तो जैसे मैंने फेंका, मेरे 4 आए और मेरी ये साइड है, तो मैं 4 जो चीजें 4 बार इसको पॉपिट कर दूंगा, ठीक है। और फिर सेकंड प्लेयर खेलेगा उसके 5 है तो 5 बार कर देगा, और थर्ड प्लेयर है उसका 1 बार आएगा तो उसका 1 बार कर देगा। जो सबसे पहले पॉप कर देगा सारे के सारे, और उसके बाद में मतलब उसको अपना ये वाला भी वो इस तरीके से एक को पॉप कर देगा। तो इस तरीके से मतलब जो सबसे पहले सारे पॉपिट कर देगा कुल मिला के, वो विनर हो जाएगा। और ये पॉपिट गाइस मैंने 200 रुपीज का खरीदा है, और इसके साथ डाइस नहीं आया, वो हमें अलग से खरीदना पड़ता है। तो गाइस आपको ये पॉपिट कैसा लगा लूडो गेम वाला, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसा चाहिए तो गाइस मुझे जरूर बताना, और पूरा वीडियो देखना जिसको ये चाहिए। तो ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसा पॉपिट अगर आपने देखा है या आपके पास है तो भी मुझे जरूर बताना। और इसके बाद गाइस ये देखो, हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया डाई कास्ट कार्स का कलेक्शन है। और आप देख सकते हैं कितने सॉरी कलरफुल इसमें मेटल कार्स जो है नजर आ रही है। देखो यहाँ पर डाई कास्ट लिखा हुआ है, और इसका मैं प्राइस भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं और इसमें कौन कौन से व्हीकल्स हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखो, और सारे मतलब अलग अलग टाइप के व्हीकल्स हैं इसके अंदर, सारे कलरफुल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ये देखो मैं निकालता हूँ इसको बाहर, और ये देखिए ये आ गया है बाहर, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर ये देखो एक बहुत ही कलरफुल बोट मिलती है। ये देखो काफी शानदार एकदम क्रूजिंग बोट है, ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है। और इसके नीचे व्हील्स भी दिए गए, आप इसको जमीन पर भी ऐसे पुश करके चला सकते हैं। कैसी लगी कमेंट में बताना, और इसमें सबसे फेवरेट कौन सी लगी वो भी आप उसका कलर बता के मुझे बता सकते हो। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक सुपर रेसिंग कार है, ये देखो रेड कलर की कितनी जबरदस्त लग रही है ना गाइस। देखो पूरी मेटल की बनी हुई है, और जिसके ऊपर ग्राफिक है फायर वाला आग वाला है, कितना अच्छा है ना। और ये देखो एक मिनी ट्रक है यहाँ पर, ये देखो कितना मस्त लग रहा है, इसके ऊपर भी फायर वाला डिजाइन बना रखा है, कितने मस्त ग्राफिक्स है, इसके कलर भी इसका बहुत अच्छा है। और ये देखो कितना मस्त है ना ये। और इसके बाद गाइस ये देखो एक हमारे पास जो जीप है, ओपन जीप, ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है। और यहाँ पर डायनासोर लिखा हुआ है जो कि बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। ये देखो ये आपको कैसी लगी जरूर बताना, ये ओपन थार जो होती है ना, थार के जैसी लग रही है। और लास्ट में गाइस हमारे पास है फायर रेस्क्यू ट्रक, ये देखो ये काफी बढ़िया फायर रेस्क्यू ट्रक है, और इसके ऊपर सीढ़ी है, ये खुल भी जाती है गाइस, एक खुल के खड़ी भी हो जाती है, अभी नहीं हो रही है लेकिन मैं आपको बाद में कभी दिखाऊंगा। देखो कैसी लग रही है ना, उसका कलर कैसा है कमेंट में जरूर बताना, इसका लुक कैसा लगा जरूर बताना। 6 टायर वाला है, और ये सब 4 टायर वाला है, इसमें 6 टायर जो है दिए गए हैं। और अब मैं इसको आपको इसका प्राइस बता देता हूँ, ये मैंने 400 रुपीज में ये सेट मैंने शॉप से खरीदा है। चलिए देखते हैं और हमारे पास क्या चीजें हैं। इसके बाद गाइज मेरे पास एक ऐसी चीज है जो आपको स्टडी में बहुत हेल्प करेगी, ये देखो गाइज ये है एक डेस्क लैंप, या फिर स्टडी लैंप भी आप बोल सकते हो। देखो एस्ट्रोनॉट डेस्क एलईडी लैंप इसका नाम है, और देखो ऐसा कुछ निकलने वाला है इस बॉक्स के अंदर, इसका मैं प्राइस भी बताऊंगा, पहले मैं आपको दिखा दूं। इसका एक यूएसबी चार्जिंग केबल भी मिलती है, इसको चार्ज भी कर सकते हो, और आप इससे मतलब कि बहुत लंबे टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हो। देखते हैं इसके अंदर हमें कौन सा कलर मिला है, सारे कलर्स हैं, तो देखते हैं हमें इसके अंदर कौन सा वाला कलर मिलेगा। तो हमें इसके अंदर मिला है व्हाइट कलर। तो देखो गाइज ये है हमारा एस्ट्रोनॉट, कितना बढ़िया है ना गाइज, मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो ये देखो, और इसका एक बहुत ही बढ़िया यूज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखो मैंने इसको निकाल लिया बाहर, कितना क्यूट सा हमारा एस्ट्रोनॉट बाहर आ चुका है, देख लो कितना बढ़िया ना। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट और ऑन ऑफ का बटन भी है, और यहाँ पर एक होल है, इसका यूज भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। बहुत ही मस्त चीज है ये, आपके स्टडी में बहुत आपको हेल्प करने वाली है। और ये देखो ये मैं निकाल के दिखाता हूँ और चीजें क्या है। और इसके बाद देखो एक ये मिला है इसका एंटीना, जो इसको और भी क्यूट बनाता है। देखो ये लगाने के बाद कैसे हिल रहा है इसका एंटीना, कितना क्यूट लग रहा है। और ये चार्जिंग केबल है, फोन के चार्जर में लगा के आप इसको चार्ज भी कर सकते हो। तो ये देखो गाइज ये कुछ इस तरीके से एस्ट्रोनॉट नजर आता है। तो इसका ऑन ऑफ का बटन देखो, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो, और यहाँ से देखो ऑन करेंगे तो ये देखो ये इसका लो मोड है, और दोबारा दबाएंगे देखो रेड कलर का मोड है। देखो 3 मोड है इसके अंदर, ये देखो व्हाइट और इसके अंदर रेड। तो मैं आपको लाइट ऑफ करके इसके मोड दिखा देता हूँ एक बार, लाइट ऑफ हो चुकी है, अब मैं इसको ऑन करता हूँ, आप इसका जलवा देखना आप। तो ये देखो पहला इसका व्हाइट व्हाइट कलर की लाइट है, ये देखो कितनी ब्राइट है गाइस, ये देखो बिल्कुल अंधेरा कर दिया। और अब ये देखो आप
इतनी ज्यादा ब्राइट इसकी लाइट है, तो आप सोच ही सकते हो आपको स्टडी में कितना हेल्प करेगा और कितना क्यूट लग रहा है अंधेरे में भी है। अब मैं इसकी लाल रंग की लाइट जलाता हूँ, ये देखो इसकी रेड कलर की लाइट है, देखो कितना मस्त लग रहा है ना। अगर आप गाइस तो कलर भी बदल रही है, मुझे तो पता ही नहीं था, वाओ रेड से ग्रीन हो गई, ग्रीन से देखो अपने आप ब्लू हो गई, अब देखते हैं कौन सा कलर आया था, ये तो सरप्राइज हो गया गाइस, मुझे शॉप वाले अंकल ने तो बताया ही नहीं था, ये व्हाइट हो गई, ग्रीन हो गई, देखो गाइस मुझे शॉप वाले अंकल ने बताया नहीं था कि इसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं, फिर से ब्लू हो गई, इतनी बढ़िया है, अरे वाह मजा ही आ गया। अब देखते हैं कौन सा कलर ये बदलेगी, और ये फिर से अभी पर्पल हो गई, मतलब कि हद हो गई गाइस, इतने सारे कलर्स हैं इसके अंदर, ये तो कलर बदले ही जा रही है, और कितनी हेल्प करेगी ना गाइस स्टडी में, और आपके रूम को कितना क्यूट बना देगी। देखो फिर से रेड हो गई, देखो इतनी मस्त लग रही है, मजा ही आ गया गाइस इसको देखने में, तो देखो कलर अपने आप बदल रहे हैं। और मैं आपको इसका एक और फीचर दिखा देता हूँ, तो लाइट ऑन कर लेते हैं, तो लाइट ऑन कर दिया गाइस, इसको ऑफ कर देते हैं। अब मैं आपको इसका फीचर दिखा देता हूँ, कितना गजब का फीचर था, अपने आप ये कलर बदल रही थी। अब मैं इसका एक और फीचर बताता हूँ, देखो गाइस ये आपको होल दिख रहा है गाइस, एक शार्पनर है, ये देखो ये एक शार्पनर है, इसके अंदर जो दिया गया एक शार्पनर दिया गया है, इसको आप ऐसे लगा सकते हो, जब इसके अंदर कचरा फुल हो जाए तो आप इसको बाहर कर सकते हो। देखो मेरी पेंसिल, ये पेंसिल इधर से मैं शार्प कर देता हूँ, देखो कुछ इस तरीके से, जो आप इससे पेंसिल भी शार्प कर सकते हो, ये देखो कितनी सारी पेंसिल मैंने छील दी है, ये देखो एकदम मस्त छील गई है पेंसिल, और देखो कचरा जो है वो इसी के अंदर स्टोर हो गया है, देखो ये रहा सारा का सारा कचरा। तो ये आपको कैसा लगा एस्ट्रोनॉट वाली लाइट कमेंट में जरूर बताना, और मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ, ये मुझे शॉप से 200 रुपीज में सिर्फ मिल गया, ऑनलाइन तो ये कसम से बहुत ही महंगा होगा। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही शानदार पेंसिल बॉक्स है आप सबके लिए, ये देखो बेबी शार्क वाला, और ये देखो पिंग पोंग वाला, आपने वीडियो देखा होगा यूट्यूब पर, तो देखना गाइस इसका वीडियो बहुत ही मस्त है। ये देखो कितने सारे बेबी शार्क्स बने हुए हैं एकदम कलरफुल, और देखो गाइस पीछे भी सेम ही है, देखो बेबी शार्क डू 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 यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये वाला राइम कितना मस्त होता है ना गाइस। और मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर जिप भी कितनी मस्त दी गई स्टार वाली, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है गाइस इसकी, ये देखो ओपन हो गया, और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वाओ कितना बढ़िया सरप्राइज है। इसके अंदर भी आप अपनी स्टेशनरी रख सकते हो, यहाँ पर भी आप स्टेशनरी अपनी रख सकते हो, और यहाँ पर भी रख सकते हो, और बाद में इसको ऐसे कुछ बंद कर सकते हो। ये देखो जिप बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की जिप है, दो दो जिप यहाँ पर दी गई है, ये देखो जैसे मर्जी इसको ओपन करो, इतना मस्त है ना गाइस। इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, ये मुझे 280 रुपीज में शॉप से मिला था, तो 280 रुपीज में मैंने इसको खरीदा। आपको ये कैसा लगा जरूर बताना, अगर आपके पास भी ऐसा ज्योमेट्री बॉक्स या पेंसिल बॉक्स या ऐसा पाउच है तो मुझे जरूर बताना कमेंट में। इसके बाद गाइस हमारे पास एक बहुत ही शानदार बेन 10 वाली तलवार, ये देखो गाइस बेन 10 किस किस को पसंद है, देखो गाइस ऐसे कुछ होल्ड करोगे तलवार को कितनी मस्त लग रही है ना। और ये देखो बटन, यहाँ पर ये बटन है, ये बटन दबाते इसमें म्यूजिक आते हैं और लाइट आते हैं, बहुत ही बढ़िया, देखो कितना बढ़िया है ना। मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ इस तलवार को, आपको तभी असली मजा आ पाएगा इसका, तो आप देखो इसका मजा, ये देखो बढ़िया है ना गाइस, ये देखो लाइट ऑफ करके आप फाइट भी खेल सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अगर आपके पास ही दो तलवार हो तो आप लड़ाइयां भी कर सकते हो मजे वाली, तो कितना मस्त है ना गाइस। ये तलवार कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, इसका प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्राइस है गाइस 150 रुपीज, 150 रुपए में मिल गया था। इसके 2-3 चीजें और आती हैं, वो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, वो यहाँ पर हमें लगानी होती है इसके ऊपर, इसके अंदर लाइट जलती है, तो ये आप खरीद सकते हो शॉप से। और इसके बाद देखो गाइस हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त स्नैक्स है, इसका नाम है क्रैक्स रिंग्स, और इसके अंदर निकलता है मैजिक टॉय, और ये हमने 5 रुपए में खरीदा है, और 5 रुपए में इसके अंदर टॉय भी मिलता है और स्नैक्स भी मिलते हैं, तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कैसा लगेगा ये खोलने के बाद। देखो हमने खोल लिया है और देखते हैं इसके अंदर हमारा क्या निकला है, तो इसके अंदर गाइस एक हमारा टॉय निकला है, क्या निकला है देख लेते हैं। अरे वाह एक बहुत ही जबरदस्त चीज निकली है, और यमी यमी स्नैक्स भी निकले हैं, तो मैं आपको इसको कैसे यूज करते हैं टॉय को मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसको हम बाहर निकालेंगे गाइस, इस तरीके से कैचे से कट कर लेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे, फिर इसको आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कैसे यूज करते हैं, बहुत ही मस्त चीज है ये, एकदम 3D डिजाइन वाली चीज है समझ लीजिए आप। तो गाइस ये देखो यहाँ पर एक डॉग दिया गया है, ये देखो ये डॉग है यहाँ पर, अब हमें क्या करना है इसको यहाँ पर ऐसे लगाना है और इसको हम ऐसे हिलाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि डॉग दौड़ रहा है सच में, ये देखो जब ऐसे कर रहे हैं ना तो ऐसा लग रहा है डॉग सच में दौड़ रहा है, और जब कैसे कर रहे तो ऐसे ही है, जब हिलाएंगे तो दौड़ रहा है, एक तरह का 3D एकदम 3D चीज है, मैजिकल चीज है। तो ये कार्ड कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में, 5 रुपए के स्नैक्स में मिला है।
इसके बाद गाइस हमारे पास बहुत ही बढ़िया वाटर गेम है। ये देखो पिंक कलर का बैग जैसा प्लास्टिक का दिया, यहाँ पर फ्रॉग बना है अंदर, यहाँ दो बटन है, यहाँ पर दो हुक दिए गए हैं और छोटी छोटी रिंग दी गई है। तो हम बटन दबाएंगे ना तो रिंग पानी में उड़ने लगेंगी और हमें कुल मिला के क्या करना है, हमें जो रिंग्स है इसके अंदर पहनानी है। तो आप दो फ्रेंड्स मिलके भी ये गेम खेल सकते हो। ये देखो कुछ इस तरीके से खेलना होता है गेम। ये देखो गाइस कितना मजा आ रहा है ना, ऐसे खेलते रहो पूरा दिन। और बहुत ही हार्ड गेम है तो बहुत मजा भी आता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक आप खेल सकते हो। देखो हमने एक रिंग को यहाँ पर पिना भी दिया है ब्लू कलर की, आप देख सकते हैं। ये देखो ये रही। तो कैसा लगा आपको ये वाटर गेम जरूर बताना। ये 60 रुपीज का मैंने लिया है शॉप से। और इसके बाद देखो गाइस मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया, जिनको म्यूजिक सुनना पसंद है उनके लिए बहुत ही बढ़िया चीज है, ये यूनिकॉर्न के ईयरफोन्स। देखो कितने बढ़िया है ना, यहाँ पर देखो यहाँ पे जो कानों में लगाने वाले ईयरफोन है ये भी यूनिकॉर्न वाले हैं। और इनके साथ एक पाउच भी मिलता है जिसके अंदर आप इन ईयरफोन्स को रख सकते हो, खराब भी नहीं होंगे। मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ और इसको मैं यूज थोड़ा सा आपको पूरा डिटेल में पूरा खोल के इसको दिखाता हूँ अच्छे से कि इसको कैसे यूज किया जाता है, इसका यूज क्या है। तो ये हम पहले मैं इसको निकाल लूँ। तो बहुत ही मस्त पैकिंग की गई है, इसकी खुलता भी नहीं है गाइस आराम से। तो ये देखो हमने खोल लिया है और ये देखो इसके अंदर एक पाउच मिला है हमें जिसके अंदर आप अपने इयररिंग्स इसको ईयरफोन्स को रख सकते हो। और ये रहे हमारे ईयरफोन्स जिनकी वायर इसके अंदर दी गई है। देखो गाइस इसकी वायर यहाँ पर है और ये रहे हमारे ईयरफोन्स, मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के। तो ये देखो हमने निकाल लिए हैं, इतने बढ़िया लग रहे हैं ना गाइस। देखो ये देखो ये रहे हमारे ईयरफोन्स कितने सही हैं, ये देखो क्या बात है। और यहाँ पर यूनिकॉर्न बना हुआ है, गर्ल्स को तो स्पेशली ये बहुत ही पसंद आएंगे। और इनको आप निकाल के इसके वायर के साथ जुड़े हुए हैं इसके अंदर। तो ये देखो मैं निकाल देता हूँ, 3.5 mm जैक वाले ईयरफोन्स है। और जब आपको यूज़ ना करना हो तो आप इस पाउच को ऐसे खोलो गाइस इस तरीके से और इन ईयरफोन्स को इसके अंदर ऐसे रख के, ये देखो हमने रख दिया है, और इनको आप ऐसे बंद कर दो, ये देखो इस तरीके से। और ये मुझे शॉप से, मैं आपको बताता हूँ कितने के मिले, बहुत ही कम रेट के मिले हैं, 150 रुपीज़ में मुझे ये ईयरफोन्स मिल गए थे शॉप से। देखो हमने इसको बंद कर दिया इसके अंदर। और गर्ल्स को ये बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसका कलर और इसकी थीम पूरी गर्ल्स के लिए बनी हुई है। तो कैसा लगा जरूर बताना, अगर आपको ऐसे बॉयज़ वाले चाहिए तो मुझे जरूर बताना, मैं आपको लाकर जरूर से दिखाऊंगा। और इसके बाद ये देखो हमारे पास है मल्टी कलर पेन, ये देखो यूनिकॉर्न वाला पेन है। इसके अंदर देखो टोटल कितने कलर है, मैं आपको बताता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 इसके अंदर हमें कलर्स देखने के लिए मिलते हैं। मैं आपको कुछ कलर चला के भी दिखाता हूँ, जैसे ये पर्पल चलाते हैं, देखो पर्पल भी चल रहा है। और हम चला ये इसको नीचे ऐसे दबाएंगे तो उसकी जो टिप है वो अंदर चली आएगी। तो ये रेड भी चल रहा है, हम चलाते हैं ब्लैक, देखते ब्लैक चलता है या नहीं, तो ब्लैक भी चल रहा है, वो बहुत मस्त चल रहा है। येलो चलाते हैं, देखो गाइस येलो भी चल रहा है। आपने येलो कलर का पेन कभी देखा है तो बताना कमेंट में। ये देखो थोड़ा सा ब्राउन है, देखो ब्राउन भी चल रहा है, सारे ही कलर इसमें काम कर रहे हैं। और ये पेन 80 रुपीज़ का मैंने शॉप से खरीदा है, आपको कैसा लगा जरूर बताना। और अगर आपके पास भी ऐसा पेन है तो भी मुझे जरूर बताना। इसके बाद गाइस हमारे पास एक बहुत ही प्यारी चीज़ है, ये देखो एक यूनिकॉर्न का पॉपिट वाला पाउच है, या बैग बोल सकते हो, साइड पर्स बोल सकते हो, गर्ल्स को बहुत अच्छा लगेगा ये। यहाँ पर आप पॉपिट करके भी टाइम पास कर सकते हो। और यहाँ पर देखो जिप दी गई है, जिप को खोलेंगे तो इसके अंदर कुछ सरप्राइज है, मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर हमें मिलती है एक स्ट्रैप और गाइस और भी चीज़ें हैं। और ये देखो, और एक हमें कीचेन मिलता है यूनिकॉर्न वाला, और यही चीज़ें मिलती है, दो चीज़ें मिलती है इसके अंदर गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको किचन दिखाता हूँ। ये देखो यूनिकॉर्न वाला किचन है, कितना क्यूट सा यूनिकॉर्न बना है एकदम, देखो कितना क्यूट है ना, छोटा सा। और इसका देखो यहाँ पर भी यूनिकॉर्न, एक बहुत ही बड़ी यूनिकॉर्न क्लाउड का लोगो हुआ है। और यहाँ पर देखो किचन, यहाँ पर यूनिकॉर्न लिखा हुआ है। ऐसे आप घर की चाबियों में, बैग में, पर्स में आप इसको यूज कर सकते हो। और इसी तरह मिलती है हमें एक स्ट्रैप, बहुत ही लंबी स्ट्रैप हमें देखने के लिए मिलती है, देखो ये रही। और इसको आप जो है इसमें लगा सकते हो, मैं आपको लगा कर भी दिखाता हूँ। देखो गाइस ऐसे करके आप इधर से डाल लेंगे इसको, और इसको इधर से डाल लेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा देखना। तो ये हमने डाल दिया गाइस यहाँ से, और ये देखो ये आपका बन गया साइड पर्स। ये देखो कुछ इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, गर्ल्स को बहुत अच्छा लगेगा ये। और ये मैंने गाइस 200 रुपीज़ में मैंने ये खरीदा है, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना आप। इसके बाद गाइज हमारे पास दो बहुत ही यमी स्नैक्स हैं, मोटू पतलू रिंग्स, इसमें ग्लोइंग टॉय निकलता है, एक मसाला फ्लेवर और ये टोमेटो फ्लेवर, और इसमें निकलेगा चिपकू टॉय। और दोनों मोटू पतलू वाले और दोनों 5-5 रुपए में हमने खरीदे हैं। तो पहले ग्लो स्टिक वाला टॉय देखते हैं इसमें कौन सा रात को चमकने वाला टॉय हमारा निकलता है। तो हमने कट कर लिया है और देखते हैं इसमें क्या, इसमें निकली हमारी ग्लो स्टिक जो कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार दिखाई है। और यमी स्नैक्स है,
तो इसको देखते हैं यूज करके, ये खराब तो नहीं है, सही है या नहीं है, क्या है इसका रोल। तो ये निकाल लेते हैं और इसको कैसे यूज करते हैं, इसको पकड़ के ऐसे क्रैक करना होता है, जो क्रैक की वजह है, और इसको हिलाएंगे, अभी रात को ग्लो करेगी। तो ये देखो गाइज, मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ कैसे ये ग्लो करती है। तो गाइज हमारी स्टिक ग्लो कर रही है, मैं आपको दिखा दूं, ये देखो क्या बात है, कितना मैजिकल टॉय इसमें निकल गया है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना गाइज, ये देखो यहाँ पर रोशनी भी कर रहा है गाइज, ये देखो आपको चीजें नजर आ रही होंगी अंधेरे में, देखो मुट्ठी बंद कर रहा हूँ नहीं नजर आ रही, और अब देखो आपको नजर आएंगे, देखो इसकी रोशनी बहुत तेज है। 5 रुपए में ये देखो गाइज हमें स्नैक्स के साथ एक टॉय भी मिल गया है, इतना मस्त है ना। और गाइज इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत ही बढ़िया सेट है, जिसका नाम है सिम्फनी सेट, और ये गर्ल्स को बहुत पसंद आएगा। इसमें देखो हमें आई शेडो मिलता है, मेकअप की आइटम मिलती है, हेयर क्लिप्स मिल जाती है यहाँ पर छोटी छोटी 6, और यहाँ पर देखो आईलाइनर है, और भी मतलब इनके मुझे नाम नहीं पता है काफ़ी सारी चीज़ों के, ये गर्ल्स को पता होंगे ज़्यादातर चीज़ों के नाम। तो ये देखो बहुत ही बढ़िया है, और ये मतलब कि बहुत ही गर्ल्स को, जो मतलब छोटी छोटी लड़कियाँ, उनको ये बहुत पसंद आएगा। ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, उसका प्राइस बता दूँ, ये 100 रुपीज़ में मैंने शॉप से लिया है, आप सबको दिखाने के लिए मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ गाइज। आप हम ओपन करेंगे गाइज हमारा ये वाला स्नैक्स, ये देखो ये हमारा मोटू पतलू रिंग्स, ये चिपकू टॉय इसमें निकलेगा, यानी कि चिपकने वाला टॉय निकलेगा, और देखते हैं कैसे ये चिपकता है या नहीं चिपकता है। तो ये देखो हमने कट कर लिया है, और इसके अंदर हमें मिला है एक चिपकने वाला टॉय। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो हम इसको कट करके निकालेंगे, पहले ये हमने निकाल लिया है इसको बाहर, तो अब देखो गाइज आप, तो ये रहा हमारा टॉय, ये मतलब कोई अलग तरीके से ही काम करता है। तो ये देखो इसको हम यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे, और तो आप जहाँ पर भी फेंक के मारोगे वहाँ पर ये चिपक जाएगा, पर ये कई बार काम नहीं करता है। तो ये देखो गाइस अभी ये नहीं कर रहा है काम, क्योंकि इसका ग्लू उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो थोड़ा खराब टॉय निकल गया है यहाँ पर। और उसके बाद गाइस हमारे पास ये देखो स्पेस बॉल क्यूब है, रूबी क्यूब जो उसको बोलते हैं, वो लाया मैं आपके लिए, और जिनको रूबी क्यूब सॉल्व करना पसंद है उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप में से किसी को रूबी क्यूब सॉल्व करना आता है ज़रूर बताना, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता है, मैं तो एक घंटे में भी सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, और जो लोग स्मार्ट होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग कर लेते हैं। तो अगर आपको भी ये सॉल्व करना आता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ये मैंने 100 रुपीज़ में शॉप से लिया था। उसके बाद देखो गाइस हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया वॉच है, बेंटन वॉच, तो देखो मैं आपको निकाल करके दिखाता हूँ, ये बेंटन वॉच बहुत ही बढ़िया है, ये मैंने 100 रुपीज़ में ली थी, तो मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। ये रही हमारी बेंटन वॉच, यहाँ पर बेंटन का लोगो भी बना हुआ है, देखो यहाँ बेंटन बना हुआ है, यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो, और यहाँ पर भी बेंटन बना हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रैप है इसकी, ये 100 रुपीज़ में मैंने ली थी। और उसके बाद देखो गाइस हमारे पास है मेकअप बॉक्स, ये मैंने 5 रुपये में मैंने ये खरीदा है, और देखते हैं इसके अंदर इसमें मेकअप की चीज़ें निकलती हैं गर्ल्स के लिए, तो देखते हैं क्या निकलता है आज हमारा। और गाइस में एक नकली नोट था जो मैंने कट कर दिया गलती से, कोई बात नहीं, देखते हैं हमारा इसके अंदर क्या निकलता है, मेकअप का निकलता है क्या निकलता है, कई बार टॉय भी निकल जाता है, कई बार सिर्फ मेकअप का निकलता है। फिर हमने ओपन कर लिया है, तो इसके अंदर गाइस हमें मिला है रसना, ये देखो रसना मिला है, मैंगो फ्लेवर वाला रसना मिला है इसके अंदर हमें, जो कि बहुत अच्छा है। और इसके अंदर हमें कुछ नोट मिले हैं, 100-100 रुपए के 2 नोट, जो कि असली नहीं नकली नोट है, ये देखो यहाँ पर लिखा है मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया, और जो असली होते हैं उन पर लिखा होता है इंडियन बैंक, यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा होता है। और ये देखो यहाँ पर एक हमें टॉय भी मिला है इसके अंदर, जो कि हम इसको गोल गोल घुमा करके खेल सकते हैं। और उसके बाद देखो हमारे पास एक मैजिकल पेन है गाइस, ये देखो ये मैजिक पेन क्यों है मैं आपको बता देता हूँ, और ये देखो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। अब ये मैजिक पेन हम ले लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम फन, तो आप अब देखो आप ये हमने फन लिख दिया है, आपको दिख रहा है फन लिखा हुआ, नहीं दिख रहा है, अब मैं आपको बताऊँ कैसे दिखना है। यहाँ पर एक लाइट दी गई है, ऑन कर लेंगे, और देखो अब आपको ये फन लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो देखो गाइज है ना गाइज, ये मैजिकल पेन हमें 40 रुपीज़ में खरीदा है, आपके पास भी ऐसा मैजिकल पेन है तो मुझे बताना जरूर। और उसके बाद गाइज हमारे पास है कैप्सूल वाला पेन, ये देखो विटामिन बॉल पेन लिखा है, उसको ऐसे खोलेंगे और ऐसे पुश करेंगे, देखो पेन बाहर आ गया, और ऐसे बंद कर सकते हैं, ये देखो, और ऐसे यूज कर सकते हैं इसको, और देखो कितना बढ़िया है, 30 रुपये का मैंने लिया था। और उसके बाद देखो गाइज हमारे पास एक यूनिकॉर्न का एक स्पेस वाला पाउच है, बहुत बढ़िया, और इसके अंदर आप इरेजर शार्पनर और कुछ आपके पैसे होते हैं वो मनी आप रख सकते हो इसके अंदर, ये मैंने 40 रुपये में लिया था। उसके बाद हमारे पास है पोकेमॉन कार्ड्स, ये देखो बहुत ही बढ़िया पोकेमॉन कार्ड्स का सेट है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ही बढ़िया लगता है गाइज, ये देखो ये रहे सारे पोकेमॉन कार्ड्स, ये देखो गाइज देखो कितने सारे पोकेमॉन कार्ड्स हैं। ये आपको पोकेमॉन कार्ड्स पसंद है तो जरूर बताना मुझे कमेंट में, और आपको सबसे फेवरेट पोकेमॉन कौन सा है मुझे जरूर बताना। मेरा तो फेवरेट है गाइज
पिकाचू, आपका भी पिकाचू है तो जरूर बताना, या फिर कोई और है तो मुझे जरूर बताना। और इसके बाद गाइस हमारे पास एक फिजेट स्पिनर मेटल का, ये देखो कितनी देर तक ये, तो बहुत देर तक ये स्पिन करता है, ये देखो, और सिंगल फिंगर के ऊपर ये बैलेंस बना रहा है, तो उसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है गाइस। ये मैंने 50 रुपए का लिया था। और उसके बाद गाइस हमारे पास एक डाईकास्ट एक मेटल ट्रक है, मिनी ट्रक, मैं आपको दिखा देता हूँ, और इधर से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। और ये देखो ये हमारा मिनी ट्रक, ये देखो ये पूरा मेटल का बना हुआ है, और ये पुल बैक एक्शन है, पीछे से पुल करके छोड़ेंगे तो ये आगे की तरफ भागता है। लोग कैसे भाग रहा है, तो इसकी लुक कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद गाइस हमारे पास ये देखो गर्ल्स के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, फ्रोजन प्रिंसेस वाला मेकअप के आइटम्स है इसके अंदर। ये देखो यहाँ पर देखो ये बहुत सारे चिपकाने वाले हैं, और ये फेक नेल्स हैं यहाँ पर, ग्लू है नेल्स पे चिपकाने वाली, और ग्लिटर है, और चिमटी है, और क्राउन है, और ये सारी चीज़ें गाइस इसके अंदर। ये मैंने 60 रुपीज़ में लिया था, 60 रुपये में। अगर आपको गर्ल्स को ये चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना आप लोग। और लास्ट में गाइस हमारे पास है एवेंजर्स की एक बहुत ही बढ़िया डायरी और पेन, मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के। ये रही गाइस, ये देखो इसमें एक मिनी पेन मिलता है हमें, छोटा सा बहुत ही क्यूट सा पेन है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना। और यहाँ पर देखो सारे एवेंजर्स के कैरेक्टर बने हुए हैं, और इस डायरी को आप ऐसे खोलेंगे तो इसमें बहुत सारे पेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये पेन आप यूज़ भी कर सकते हो, ऐसे खोल के ऐसे चला सकते हो। ये देखो गाइस कुछ इस तरीके से आप कैप भी इसके ऊपर लगा सकते हो, तो पेन कैसा लगा जरूर बताना। और ये हमने 40 रुपये में ये दोनों मैंने खरीदा था। तो गाइस ये देखो मैंने आपको सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं, आई होप आपको मज़ा आया होगा देखने में। और आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो फिर से पूरा देखो, बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के आइकन को दबा लेना, और आपकी ऐसी वीडियोज़ हमेशा आपके सामने यूट्यूब पर आती रहेंगी। बाय बाय।